आंध्र प्रदेश स्थित विशाखापट्टनम में KRS वेंकटपुरम में LG पॉलीमर उद्योग में एक फार्मा कंपनी में रासायनिक गैस लीकेज का मामला सामने आया। इसके बाद पूरे शहर में दहशत का माहौल है। अभी भी हालात नियंत्रण में नहीं है। स्थानीय प्रशासन और नेवी ने फैक्ट्री के पास के गांवों को खाली करा दिया है। दरअसल जानकारी के अनुसार RR वेंकटपुरम में स्थित विशाखा LG पॉलीमर कंपनी से खतरनाक जहरीली गैस का रिसाव हुआ है। ये घटना गुरुवार यानी आज सुबह हुई। इस जहरीली गैस के कारण फैक्ट्री के 3 किलोमीटर के इलाके प्रभावित हैं। फिलहाल 5 गांव खाली करा लिए गए हैं। सैकड़ों लोग सिर दर्द, उल्टी और सांस लेने में तकलीफ के साथ अस्पताल में पहुंच रहे हैं। हालांकि गैस लीकेज के असली कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया। 3 लोगों की मौत, 20 की हालत गंभीर। सरकारी अस्पताल में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसमें ज्यादातर बुजुर्ग और बच्चे हैं। बताया जा रहा है कि सरकारी अस्पताल में 150 से 170 लोग भर्ती किए गए हैं। इसके अलावा कई लोगों को गोपालपुरम के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। 1500 से 2000 बेड की व्यवस्था कर ली गई है। इस जहरीली गैस के कारण फैक्ट्री में 3 किलोमीटर के इलाके प्रभावित हैं। सैकड़ों लोग सिर दर्द, उल्टी, सांस लेने में तकलीफ के साथ अस्पताल में पहुंच रहे हैं। इस LG पॉलीमर इंडस्ट्री की स्थापना 1961 में हिंदुस्तान पॉलीमर्स के नाम से की गई थी। कंपनी पॉलीस्टाइरेने और इसके इको पॉलीमर्स का निर्माण करती है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।